नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। अब वो किस संबंध में है उसको पूरी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से भी एलएलबी के लिए कुछ आदेश जारी किया गया है, तो उसको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से जो एलएलबी वाले बच्चे हैं उनके लिए आदेश जारी किया गया है कि उनके फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जाएं, और वो अब ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वो जिम्मेदारी छोड़ी गई है यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो यानी कि ये आदेश पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है कि अब फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जाएं, और फाइनल ईयर के एग्जाम अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन कराए, ऑफलाइन कराए, ऑब्जेक्टिव कराए या सब्जेक्टिव कराए, लेकिन आपके पेपर कराए जाने हैं। तो ये है आदेश आपका बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से। दूसरा, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, वो नोटिस जारी किया गया है आपका एलएलबी के एग्जाम फॉर्म को लेकर, यानी कि जो एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म के लिए एक और मौका आपको दिया गया है। यानी आपने अपना फर्स्ट ईयर का एलएलबी का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपना आज से एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 17 तारीख। 17 तारीख तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल कराए जाएंगे, और आपके जो इनकी फीस सबमिट करने की भी जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 17 तारीख है, और इसको कॉलेज में सबमिट कराने के लिए 18 तारीख तक की आपकी डेट दी गई है। 18 तारीख तक आप कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं। तो साथियों, एलएलबी वाले बच्चे जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर है जिनका एलएलबी 3 ईयर में, तो उनके एग्जाम जो है 99.99% होने हैं, तो वो अपनी बिल्कुल तैयारी में रहें, बिल्कुल एग्जाम अपने उनके जो है सर पर है, उनके जो एग्जाम है हो सकता है आपके जुलाई में ही कराए जाएं, यानी कि जो हमारे एनुअल एग्जाम होने हैं उन्हीं के साथ में उनके एग्जाम कराए जाएं। हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के उनके एग्जाम ना कराए जाएं, एलएलबी 3 ईयर के उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के जो उनके एग्जाम है वो आपके 99.99% है कि उनके एग्जाम कराए जाएं। साथ के साथ जो एलएलएम के लिए भी आपके फॉर्म फिल जो ओपन हुए हैं, यानी कि यदि आपने एलएलएम के लिए भी फॉर्म नहीं भरा है एग्जाम फॉर्म, तो भी आप भर सकते हैं। इसमें आप अपना रेगुलर भी भर सकते हैं, एक्स भी भर सकते हैं और बैक भी भर सकते हैं। यानी कि यदि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की एलएलबी की एक्स भरनी है 3 ईयर एलएलबी में, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यदि आपको बैक भरनी है फर्स्ट सेमेस्टर की एलएलबी 3 ईयर में, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो साथियों, जो नोटिस जारी हुआ था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी जो बाकी वीडियो है उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब उन्हीं को बार बार मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। मैं वीडियो में जितने भी आपके डाउट क्वेश्चन क्वेरी होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।